तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने एक बंदे से जिसने हमारे पे 17 साल पहले हमला करा था और हमारे पूरा क्लैन वैन खत्म कर दिया था, हमारे भाई टेंशन करी थी खतरनाक वाली, उससे अपना बदला ले लिया था और उसे पेल पाल दिया था, उसका पूरा क्लैन भी खत्म कर दिया था, लेकिन भाई उसका लौंडा भग गया था, उससे हमें खतरा हो सकता था। तो इस बात की भाई एवन ने चिंता भी जताई थी, लेकिन जो हमारे भाई है सीगरेट, उसने कही थी कि भाई अभी खुशी का दिन है, आज हमने अपना बदला ले लिया, तो मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, अभी मजे करो, बाद में देखी जाएगी उसकी। तो भाई उसका देखें क्या होता है भविष्य में। वो भाई अभी हम एक लेटर पढ़ रहे हैं, इसमें देखें क्या लिख रहा है। भाई अभी हमें ऐसे घूमते फिरते एक लेटर भी मिला है, लिखा था किंग हार्ड ने, जो हमारे साथ आ गया अभी हाल फिलहाल में, उसने लिखा था, जिस हमारी दुश्मनी थी के मामा ने लिखा था। वो कह रहा है कि मैं अपने भांजे की फुल अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नॉर्वे में विश्वास रखता हूँ और मैं इसके बारे में तुम्हारे से बात करने आऊँगा अभी, लेकिन अभी वो हमारे साथ में। भाई मैं बताऊँ अभी तुम्हें हुआ क्या था। अभी हम क्या करते हैं कि पार्टी चल रही थी तो हम सीक्रेट के पास गए थे, हम तो कहे थे कि उसे जल्दी से पेल ले पाल लें उसके लोंडे को भी, और भाई ठिकाने लगाएं उसे भी, लेकिन उन्होंने कही लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ। फिर हमें क्या कहते हैं ये हिडन वंस वाला जो बंदा है ये मिला, मतलब इससे हमारी बात हुई थी, फिर इसने हमें असैसिन्स के बारे में बताया था कि मतलब ये कैसे काम करते हैं, और अब हम इसके साथ में ये सब चीज़ सीखने जा रहे हैं और ढंग से। तो भाई अब हम इनके कैंप में छुप के जाने वाले हैं असैसिन्स की तरह। एक बंदा सामने है, इससे हमें एकदम से असैसिनेट करना है भाग के, और ये कूद के पेल दिया। और कभी कभी तो भाई भिड़ना ही पड़ जाता है। ये क्या? और अभी क्या कहते हैं इसके अंदर जाना है ना, जिस समय लड़ाई थी उस बंदे का लौंडा था वो तो हमें मिल गया था, लेकिन ये किसी की दूसरे बंदे की टेरिटरी में है जिस समय दोस्ती हो रही है। तो भाई अगर हमने यहाँ पे शांति भंग करी तो उससे हमारी लड़ाई हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल कर नहीं सकते, इसलिए हम चुपचाप ही उससे बस बात करके बिना उसे ठोक के आ गए, लेकिन उसका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या इलाज होता है उसका। अभी तो सीगर से जाके बात करें, बस थोड़े से लंबे सिनेमेटिक चल गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ हुआ क्या था। अभी तो जो किंग हेरोल्ड है, मतलब सबसे जो सबसे पावरफुल राजा है, वो अपनी कहाँ से मारा था कि मैं मतलब काफ़ी छोटा था 10 साल का, जब से मैंने सब खून खराबा देखा, मैंने क्या कहते हैं नॉर्वे की सबसे बड़ी आर्मी बना ली है, हम इस टाइम नॉर्वे में हैं, और आज मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि तुम सब मेरे साथ में मिल जाओ। तभी एक राजा आया, उसने कहा कि मैं किसी दूसरी जगह पर जा रहा हूँ अटैक वटैक करने, मतलब उसने कही कि हम सारे नॉर्वे वाले मिल जाएँ, दूसरी जगह पर अटैक करें, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह पे, इन सब पर अटैक करें, नॉर्वे वाले एक साथ हैं, इंग्लैंड इजिप्ट इन सब पर अटैक करें। तो एक राजा आया, उसने कहा कि ठीक है मैं अटैक करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो राज्य है उसका ध्यान तुम रखना। वो क्या चाहता था कि एक यूनाइटेड नेशंस बने जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे, वैसे तो उसके पास पूरे नॉर्वे की सबसे पावरफुल आर्मी है, लेकिन वो चाहता था कि दुनिया में सबसे पावरफुल बने, सबका साथ लेकिन नॉर्वे वालों का, जैसे कि अखंड भारत का स्वप्न मान लो एक तरह से, जिस हमने पहला था पिछली रात, उसका जो लौंडा था वो कह रहा था कि मतलब इन दोनों ने हमें और सीगर को, कि इन दोनों ने मेरे बाप को मार दिया और ऐसे ऐसे करा, पूरी बताई इसने, और वो ये चाहता था कि हमें राजा सजा दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने कहा कि गलती तुम्हारी है, और हमें ऐसे कही कि तुम क्या चाहते हो उसे क्या सजा दी जाए, हमने कहा कि भाई इसे ठोक दो, उसने कही नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसे लेकिन निकाल जो दूंगा, इस उससे क्या होगा इसके जो जितने भी पाप करें इनने वो सब इसके सामने आ जाएंगे। तो फिर जो हमारे यहाँ का राजा है उसने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलता हूँ, हमारे प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उस समय से है जब भगवान हमारे साथ रहते थे, लेकिन और हम काफ़ी ज़्यादा शांतिप्रिय भी रहे हैं, लेकिन हमें इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ खून खराबा ही मिला है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। इस बात पे सीगर थोड़ा सा गुस्सा हो गया, इसने राजा ने कहा था भाई ने कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ, तो इस बात पे सीगर गुस्सा हो गया, उसने कहा कि तुम वो चीज़ कैसे दे सकते हो किसी को जो मेरी होने वाली है अभी। उसने कहा कि लेकिन ये एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होगी, लड़ाई का अंत होगा, नहीं तो हम लड़ते रहेंगे और हमारे लोग मरते रहेंगे। लेकिन भाई सीगर को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो चला गया। तो फिर राजा ने तो कहा कि भाई मेरे बेटे को माफ़ करना इसके लिए, क्योंकि ये अपने इमोशंस पे काम करता है। लेकिन राजा ने हमारे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ के क्या तुम मेरे लिए काम करोगे,
हमने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हम, क्योंकि जो मैं हूँ वो मेरे भाई के साथ काम करता हूँ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक साथ रहते हैं, मैं और मेरा भाई, सीखा हो हम। तो राज ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे, वो चाहता है कि हम कहीं भाग जाएं, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे योद्धा हैं, तो हम कुछ लोगों को लेकर कहीं भाग जाएं, जैसे यूट वगैरह या फिर इंग्लैंड या फिर जर्मनी, कहीं पे भी और नई जगह को कैप्चर करने। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे नॉर्वे में तो तुम्हें मेरे नीचे काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे नीचे काम ना करो तो तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ और वहाँ पर मतलब इंडिविजुअली काम करो। तो उसने हमें अभी सोचने तक के लिए टाइम दिया है और उसे तो बाहर निकाल ही दिया बिल्कुल। अब देखते हैं कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई हमें सीगरेट से जाके बात करनी है, देखना है क्या जवाब होता है उसका यहाँ रहने के या फिर कहीं और जाने के बारे में। तो भाई अब मैं बताऊँगा क्या था। तो अभी सीगरेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था अपने जो अपना राजा है उसके डिसीजन की वजह से, लेकिन उसने कहा कि भाई अब हमें कुछ नया करना होगा, अब हम जाएंगे इंग्लैंड, जितना भी सामान चाहिए सारे के सारे। लोग पहले तो ये कह रहे थे कि भाई कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। एक और कोई बंदे हैं वो वैसे मतलब अभी इंग्लैंड में इतनी जनता उनका तो है ही, लेकिन कोई और बंदे हैं यहाँ से नॉर्वे से गए हुए, वो वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा अपना वो बना रखा है बेस वेस, मतलब काफ़ी टाइम से वो रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अभी हम जाएंगे वहाँ। सीगेट ने कहा है कि भाई जितना भी तुम्हें सामान चाहिए जोत जोत का वो ले लो और चलो हमारे साथ, हम सारे इंग्लैंड जाएंगे। क्योंकि सीगेट जो है वो किसी के भी नीचे काम नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने कही कि भाई हम नई जगह पे जाकर नई धरती पे वहाँ रहेंगे, और इंग्लैंड एक खाली जगह है जहाँ पे बस 8 महीनों से कोई लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम आसानी से अपना बसेरा बसा सकते हैं। तो भाई अभी हम इंग्लैंड जाने के लिए हमने पूरी तैयारी वैयारी कर ली थी, पूरी पैकिंग कर ली थी, और तभी इसके किंग हैरल्ड के शिप आ गए, और हमने सोची कि भाई अब तो बिल्कुल निकलना ही पड़ेगा, तो हमने निकलने के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली। तभी फिर राजा है उसने अपने लोंडे को समझाने की कोशिश करी सीगरेट को कि भाई मत जा मत जा, लेकिन वो नहीं माना। उसने कही कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं एक नई जगह नई लैंड पे जाके अपने लिए ग्लोरी कमाऊँगा। तो फिर राजा ने कहा कि 17 सदियों पहले यानी कि 17 साल पहले यहाँ पे विंटर्स को जो है वो साल के रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ 17 साल पहले फिर 17 विंटर्स पहले, तो उसका एक मतलब होगा। तो इसने कहा कि 17 विंटर्स पहले मतलब 17 साल पहले तुम मुझे मिले थे और मैंने तुम्हें बचाई, गलती करी, क्योंकि तुम मुझे यहाँ से लूट के जा रहे हो, हमें कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। इसने बात अपने लोंडे को ये कही थी कि तू यहाँ पे बस अपनी ग्लोरी छोड़ के जा रहा है, वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन हमने कही कि नहीं भाई जाना तो है ही। और फिर इसने कही कि मुझे तुम्हें भेड़ियों के पास ही छोड़ देना चाहिए था, वैसे बचा तो इसने था भी नहीं। फिर इसके लोंडे ने कही कि तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो और इंग्लैंड चलो हमारे साथ, तो चलते हैं इंग्लैंड। तो भाई चलते हैं इंग्लैंड एक नया साम्राज्य बनाने, देखते हैं आगे क्या होगा। असैसिन्स क्रीड वल्हला, शायद इंग्लैंड को इसमें वल्हला कहा गया है, पता नहीं मुझे पक्का। तो भाई ये पता नहीं कहाँ पे उठे हैं हम, ये क्या हो गया। इंग्लैंड आती जेंडर चेंज के पास क्या है, एक ऐसी मशीन है जिससे किसी भी जगह का पास पास देख सकते हैं, तो उससे आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। ये लोग जो हैं पुराने टाइम की मेमोरीज जी रहे हैं, उन लोगों के जिन्होंने आर्टिफैक्ट्स मिले थे और उन्होंने फिर कहीं ना कहीं छुपा दिए। आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, वो चीज़ें हैं इंसान से पहले जो थे उन्होंने बनाया था इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या है, इंसानों से पहले कोई थे, उन्होंने इंसानों को बनाया था अपना काम करवाने के लिए, उनसे कंट्रोल करने के लिए बनाया था आर्टिफैक्ट। उन आर्टिफैक्ट्स को ये लोग ढूंढ रहे हैं जिससे कि कोई गलत आदत में ना जाए। वो असैसिन जो है वो लोगों की फ्रीडम चाहते हैं, जबकि जो टेम्पलर्स हैं वो चाहते हैं लोगों को उसी पुराने तरीके से कंट्रोल करना। सिंपल सादी बात यह है, असैसिन जो है वो आम लोगों से फिजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो भाई यहाँ पता नहीं कुछ हुआ था एकदम से, कब्र सी उघड़ गई और इसे देखते हैं। अच्छा तो ईवर की कब्र है इंग्लैंड में हम शायद इस टाइम। ठीक है तो भाई आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में।